किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर अंबेडकर नगर जिले में पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 4.5 वर्षों से भाजपा अराजकता की सरकार चला रही है, पूरे प्रदेश में अराजकता फैली हुई है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर भाईचारा बिगड़ा हुआ है, प्रदेश में लूट, हत्या, चोरी, छिनैती, छेड़छाड़ और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं थम नहीं रही हैं। पंचायत चुनाव में लोकतंत्र का जितना घिनौना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अधिकारियों का सहारा लेकर और गुंडों के बल पर जो लोकतंत्र की हत्या की है, ऐसा भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। नरेश उत्तम पटेल किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर जिले में पहुंचे और जनता से मिलकर सपा सरकार की उपलब्धियों का बखान कर भाजपा सरकार की कमियों को गिना रहे हैं। 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी अराजकता की सरकार चला रही है, पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता है, पूरे प्रदेश के अंदर भाईचारा बिगड़ा है, पूरे प्रदेश के अंदर हत्या, डकैती, लूट, राजनी, चिनैती, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अभी पंचायत के चुनाव आपने देखा, लोकतंत्र में जितना घिनौना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अधिकारियों के बल प्रयोग करके और गुंडों का सहारा लेकर के जो लोकतंत्र की हत्या की है, ये भारत के 75 साल के इतिहास में इस तरीके का कार्य नहीं। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।